बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारे साथ बोरा नेटवर्क। मेरे को होस्ट हैं नईम तैयब। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो आजकल बहुत हॉट टॉपिक हुआ है, कोरोना वायरस COVID-19 को लेके। वेलकम टू नईम तैयब। अस्सलाम वालेकुम नईम तैयब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बोरा नेटवर्क के साथ नईम तैयब हाजिर है और आमिर हुसैन के साथ। व्यूअर्स, बड़ा इम्पोर्टेंट आजकल एक इशू है कोविड, कोरोना वायरस, जो कि पूरी दुनिया के साथ साथ कराची को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया हुआ है। हमने इस मामले में कोशिश की है थोड़ा सा कि हम आज इस टॉपिक पर, जो एक पेशेंट है हमारे साथ मायज वकार, जो कि पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद उन्होंने क्वारंटीन का पूरा पीरियड अपना स्पेंड किया और उसके बाद वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उनका टेस्ट अब नेगेटिव आ गया है। हमारे साथ है मायज वकार। उसके साथ हमारे साथ एक डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर अब्दुल कादिर सक्खरवाला। MBBS डाउ मेडिकल कॉलेज से किया है इन्होंने, मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, PhD इन इम्यूनोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, currently working in department of molecular biology and immunology SIUT. hum dono ko welcome karte hain aur viewers hum aap se ye bhi kahenge ki agar aap samajhte hain ki hum acha kaam kar rahe hain to hamara jo bora network channel hai usko aap subscribe kare taki aap is show ko bhi aur uske baad aane wale jo shows hain unko aap notification mile to aap tamam shows ko dekh saken. hum welcome karte hain dr abdul qadir aur mayiz wakar ko. thank you very much. उसके बारे में जो बहुत सारे रूमर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हकीकत क्या है आप बताएं जरा। सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, ताकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो मिथ्स और फैक्ट्स नहीं जा रहे उसको हटाने की ज़रूरत है। आई होप ऑडियंस को ये बात समझ में आए। जो आपका पहला सवाल है कि कोरोना वायरस, सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो इस वक्त और एक लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से मैं कहूँगा कि लोगों में ये है कि कोरोना वायरस है भी या नहीं, ये कोई बायो वेपन है, ये कोई 5G टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो मिसकंसेप्शन है ये बिल्कुल गलत है। इट्स अ वायरस, ये वायरस है। जिस तरह वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वायरस एक कैटेगरी है। ये कोरोना वायरस की कैटेगरी से ये वाला वायरस बिलोंग करता है जो बीटा कोरोना से है। आरएनए वायरस है, ठीक है। और ये हमने कुछ अर्से पहले 2003 में SARS जो एक फैला था पूरी दुनिया में, ये उसी का भाई बहन आप कह सकते हैं, क्योंकि उसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ये कहना कि ये कोई बायो वेपन या लैब में बना हुआ है, WHO ने ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि ये इसकी ओरिजिन कोई लैब नहीं है। ये कहना कि ये जो है कोई 5G है, बिल्कुल गलत बात है। कोई आपके अंदर कोई चिप नहीं डालने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इट्स अ वायरस प्रूव हो चुका है और इसमें जो जितनी भी मिसकंसेप्शन है उसको हटा दें, ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये वायरस ही है, ठीक है सर? ठीक है। अच्छा मायज हमारे साथ है। मायज, पहले तो अपने बारे में बताएं आप जरा कि आप क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं आगे। जी यार, मैं अपनी मैं जैसे बोलना चाहता हूँ, अपनी पिछली जिंदगी में एक क्रिकेटर था, तो मैं जगह जगह जाके क्रिकेट खेलता था। मैंने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेली है, Grade 2 क्रिकेट खेली है, और अब नौकरी की तरफ ज्यादा रुझान है मेरा, तो मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ जो एक डेटा की फील्ड में काम करता हूँ। तो मेरा जो है वो काफ़ी एजुकेशन की तरफ ही रुझान था पहले, तो मैं कराची अमेरिकन स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैं बाहर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने गया था, फिर शौकियन वापस आया था क्रिकेट खेलने, और अब क्रिकेट से नौकरी की तरफ अब ज़्यादा रुझान है। अच्छा मायज, वैसे तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा आपका, तो हमने बहुत सारे लोगों से कोशिश की बात करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस टॉपिक के ऊपर बात करने को तैयार नहीं होता है। हम लकी हैं कि आपने हामी भरी हमारे साथ बात करने की। यकीनन बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा कि एग्जैक्टली जो एक पॉजिटिव पेशेंट हमारे साथ मौजूद है कि जो उसने फेस किया, उसके बाद किस तरह से उसने उस क्वारंटीन का पीरियड कंप्लीट किया और अब क्या पोजीशन है, तो आप हमें प्लीज़ इस बारे में ज़रा बताएं ताकि हमारे व्यूअर्स को उससे फ़ायदा हो।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को माने कि आज जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि ये वायरस एक बहुत असल है और ये बहुत रियल है। अगर आप खुद एहतियात नहीं करेंगे तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं। जब मुझे वायरस हुआ था तो जब मुझे सिम्टम्स नहीं आए थे और मुझे कोई मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी तो मेरी वजह से मुझे 4-5 लोगों को और लगा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एहतियात की जाए। तो नईम साहब, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं अपनी पूरा बैकग्राउंड से बताता हूँ कि मुझे ये वायरस कब हुआ है, कब मुझे सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं, फिर क्या क्या मैंने स्टेप्स क्वारंटीन में लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। तो 8 मई की रात को मुझे जो है वो खासी थकान महसूस होनी शुरू हुई थी और उसके बाद 9 मई की सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक अच्छा खासा बुखार आ गया था। वो बुखार 101 से 103 के दरमियान था और ये बुखार मजीद 5 दिन तक रहा था। इन 5 दिन के दौरान जो थी मेरे बुखार तो था ही, उसके साथ साथ एक खांसी भी थी। खांसी के साथ साथ मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू हो गई थी कि जब मैं आगे पीछे चलता था या मैं फ़ोन पे 1-2 मिनट ज़्यादा बात कर लेता था तो मेरी एक सांस भी फूलनी शुरू हो जाती थी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 9 मई को ही के जो सारे मेरे जो अलामत हैं वो कोरोना की तरफ इशारा करें। तो मैंने एक डॉक्टर से ज़रूर रब्ता किया और उन्होंने भी मुझे बोला कि यार आप टेस्ट करा लीजिए। अच्छा, जब आपको कोई बोलता है ना कि आप कोरोना का टेस्ट करा लें तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया। तो मैं सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, एहतियात करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है कि आप टेस्ट कराएं। इसकी टेस्ट कराने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि यार अगर खुदा ना खास्ता मुझे वायरस हो गया तो मैं एक जगह आइसोलेट हो जाए ताकि मेरी वजह से और किसी को ना लगे। क्योंकि आपको शायद सिम्टम्स इतने बुरे ना आए लेकिन आपसे किसी को लग सकता है जिनको अच्छे खासे सिम्टम्स आ सकते हैं और उनको अच्छे खासे बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो मुझे 9 मई को रेकमेंड किया गया कि टेस्ट करा लो, तो मैंने टेस्ट कराया और 10 मई को मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो एक दफ़ा जब पॉजिटिव आ गया था टेस्ट तो मैं जो हूँ जैसे ही मेरे सिम्टम्स 9 मई को आना शुरू होते मैं अपने आप को अलग कर दिया था, एक कमरे में अपने आप को बंद कर दिया था। तो अब वो कमरे में जब एक दफ़ा पॉजिटिव आए तो अब चंद स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी थे ताकि मेरी वजह से और किसी को ना लगे। मेरे घर में जिस तरह मैं अच्छे खासे पोस्ट भी पढ़ा हूँ कि लोग परेशान हैं क्योंकि उनके घर में उनके माँ बाप भी हैं, घरों में भाई बहन भी हैं और उन लोग की उम्र भी है, तो कैसे जो है वो आइसोलेट करें अपने आप को ऐसे कि उनसे किसी और को ना लगे। तो मैंने ये करना शुरू किया था कि मैं अपने कमरे की हद तक तो था ही लेकिन मैंने अपना सारा खाना पेपर क्रप्स और पेपर प्लेट्स में करना शुरू कर दिया था ताकि मेरे कमरे से कुछ भी बाहर ना जाए। उससे ये होता था कि जो भी मेरे खाना वगैरह आता था वो मेरे दरवाजे तक रखा जाता था, मैं दरवाजे से उठा के अपने कमरे में लाता था, तो मैं कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था ना मेरे कमरे से कोई चीज़ बाहर जा रही थी। तो मैंने अपने कमरे में जो है वो डस्टबिन तौर की एक रखी थी जिसमें मैं अपना सारा खाना वगैरह जो है वो प्लेटें वगैरह डाल देता था। तो इससे जो है ये मेरा तकरीबन जो है 20 दिन तक यही चलता रहा। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए कि जो भी आप बेडशीट्स वगैरह आपकी होती हैं वो ऑफकोर्स इन्फेक्टेड होती हैं। तो जब अगर आपको वायरस है आपकी शीट्स में भी वायरस है। तो जब मेरी शीट्स में बहुत ज़रूरी है कि आप उसको भी डिसइंफेक्ट करें ताकि उन शीट से और किसी को जो है वो वायरस ना फैले या वो वायरस जो है आपके कमरे में इधर उधर ना फैलना शुरू हो जाए। और जगह जगह जहाँ आप अपने कमरे में जा रहे हैं उसको डिसइंफेक्ट करते रहें ताकि आप जो है अपने कमरे की अपनी हद में जहाँ आप हैं उसको आप जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखें ताकि अगर आप बाद में भी जब आप क्वारंटीन से निकले तो और कोई आपके कमरे में जो आए उनको किसी तरह से वो वायरस ना लगे। तो ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं कि ताकि आपको जो भी अलामत हो आप अपने कमरे की हद तक रहें, आप उसको ट्रीट करें, आप अपने सिम्टम्स को देखते रहें। अगर आपको जहाँ लगता है कि सांस का मसला हो रहा है तो फौरन 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 डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको सांस का मसला इतना नहीं है और आपको खांसी है और आपको बुखार है अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को अलग करें और आप जो है वक्त के साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है परेशान ना हो बिल्कुल भी, अपने आप को काम रखें, अपने आप को हौसला अफजाई दें और अपने घर
वालों को हौसला अफजाई दें कि इंशाल्लाह जब आपके अलामत खत्म होने जा रहे हैं तो उनको भी आप बता दें कि आप ठीक हैं और अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करें। इसके ऊपर अगर कोई सवाल है तो जरूर। अच्छा मुझे पता है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर जिस तरह हम और क्या क्या आपने किया बेसिकली कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी किया और अपने आप को इससे बचाया उस क्वारंटीन पीरियड के अंदर? क्वारंटीन पीरियड के अंदर मैंने जो है विटामिन सी की वो मैं सर्बेक्स जी खा रहा था जो विटामिन सी और विटामिन बी उसमें होता है, और मैंने बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स खा रहा था जिसमें ये मौसमी और वगैरह आ जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी खाऊं ताकि मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे वायरस के दौरान। शायद एक ये भी था, दूसरा इससे एक चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो वैसे जो ज़िंदगी रहते हैं उसमें ज़रूर अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं वायरस से बहुत आराम से तो नहीं खैर लेकिन वायरस से निकल पाया, क्योंकि मेरी वायरस आने से पहले भी और मैं अपनी क्योंकि मैं क्रिकेटर रह चुका तो मैं अपने आप को फिट रखता था, अपनी डाइट का ख्याल रखता था, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी उसको ले के आएँ ताकि कोई भी बीमारी का वो लोग कोई भी बीमारी से लड़ सकें। अच्छा वैसे कितना मुश्किल है इस तरह आपने कितने 18 दिन का मेरे ख्याल से क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट किया अपना, कितना मुश्किल है कमरे के अंदर बंद होके 18 दिन तक रहना, ये थोड़ा सा आप बताएं जरा। जी मेरा क्वारंटीन था तकरीबन 20 दिन का, तो पहले 9 दिन तो इतना मुश्किल नहीं था, सही बात है, क्योंकि बीमारी की हालत में अच्छी खासी वीकनेस भी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर में ही रहने का दिल चाहता था और तो कुछ करने का दिल भी नहीं चाहता था। लेकिन 9वें दिन के बाद एक दफा जब तबीयत ठीक होना शुरू हो गई थी तो फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि यार अब तो मैं ठीक भी हो गया हूँ, अब क्या मैं कमरे में रहूँ और क्या करूँ मैं कमरे में। तो मैंने जो है अच्छा खासा क्योंकि मैं एक, एक, एक नौकरी भी करता हूँ तो मैंने अपने आप को अपने काम में भी दफन कर दिया था कि यार मैं काम करता रहूँ ताकि मैं जो हूँ वो बिजी रहूँ। लेकिन एक और तरीका है इसको सोचने का, ये आप अगर क्वारंटीन में है तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, आप कुरान पढ़ के आप अपना वक्त गुजारें, आप इस्लाम के बारे में जितना जान सकते हैं जानें, आप किताबें पढ़ना शुरू करें तो जितनी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो भी आपका शोभा है उसके ऊपर आप जितनी नॉलेज हासिल कर सकते हैं वो करना शुरू करें। तो ये एक तरह से आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी गई है कि आप जिंदगी से एक ब्रेक लें और देखें कहाँ पर जो है मुझे ज़रूरत है पढ़ने की और क्या क्या मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ। तो मैंने जो है ये अगले जो 11 दिन थे क्वारंटीन में तो उसमें मैंने अच्छी खासी किताबें पढ़ना शुरू की, मैंने जो है अच्छे खासे पोस्ट और आर्टिकल्स वगैरह मैं पढ़ता था, और उसके साथ साथ जब मैं पढ़ के थक जाता था मैं टी वी शोज़ वगैरह देखता था, वो भी देखें आप इन्जॉय करें अपनी जिंदगी को, परेशान बिल्कुल ना। अच्छा इस COVID-19 ने वैसे मेरे ख्याल से एक मौका दिया है हम तमाम इंसानों को कि अपनी लाइफ को बैलेंस कर लें, हम लोग जो हम बिल्कुल अनहेल्दी लाइफ जो गुजार रहे थे, टाइम नहीं था किसी के पास, बिल्कुल अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, उसने सबको मौका दिया है सोचने का, पूरा पूरा टाइम दिया है और अपनी लाइफ को एक लाइन अप करने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब से आमिर आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? हेलो आमिर, आमिर हमारे साथ शो में लाइव है आमिर। अच्छा डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, आमिर को हम लेते हैं। डॉक्टर साहब बात यह है कि ये आजकल जी मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब हम आमिर मेरे ख्याल से कनेक्ट हो जाए फिर देखते हैं जरा, आप ये बताएं कि अगर हमें कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, ये मतलब इसको छुपाना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट देखिए ये भी आया हुआ है कि लोग छुपा रहे हैं इसको, डर रहे हैं लोग ना बात करते हुए, जिस तरह माँ से भी बात हुई ये तो बात कर रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों तक अच्छे मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये हो रहा है कि लोग छुपा रहे हैं, इस बारे में क्यों इस तरह से कॉन्सेप्ट है? ये एक मिसकंसेप्शन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गया है कि कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारे घर के आगे पुलिस आ जाएगी, जो हमारे पड़ोसी हैं या घर वाले हैं वो स्टिग्मेटाइज करेंगे, इस वजह से लोग डर रहे हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जिस तरह माइज ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, बयान भी किया,
पैनिक नहीं होना, टेस्ट करवाने जाएं तब भी पैनिक ना हो, अगर अल्लाह ना करे पॉजिटिव आ जाते हैं तब भी पैनिक ना हो, टेस्ट करवाने के बाद अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो नाउ ही नोज वेयर ही स्टैंडिंग, यानी उनको पता चल गया कि मुझे क्या शिकायत है, वरना आप समझे गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, चल रहा है, बट अगर आपको पता चल जाता है कि आपको कोविड है तो आप उसको बेहतर तौर पर उसका इलाज करवा सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है? पहली बात कि डरे नहीं, बताएं। एक जमाने में था कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही थी, पुलिस भी आ जाती थी, फॉलोअप हो रहा था, अब इतने पॉजिटिव आ चुके हैं हमारे इस शहर में और पूरे पाकिस्तान में कि आप ये ना घबराएं कि कोई आपके घर के आगे बाहर आके खड़ा। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, फॉलोअप लेती है कि आपकी तबीयत ठीक है नहीं, फोन कॉल रिसीव आती है आपको, जिसको आप अच्छे से हैंडल करें उनको बताएं, अगर कोई शिकायत है तो भी उनको बताएं, वो उसको एड्रेस करेंगे। तो पहली बात, आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, इसको एज अ पॉजिटिव लेना है, ठीक है बीमारी हो गई है मगर उसको आप अच्छे तौर पे हैंडल कर सकते हैं। अब करना क्या है, पहली बात तो ये है कि जिसका पॉजिटिव आ जाता है उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, अगर उसकी तबीयत खराब है, उसमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, बड़ी एज के हैं, उसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं या और कोई कैंसर है, ऐसे मरीजों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। 95% लोग जो पॉजिटिव आ जाते हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, वो अपने आप को माइस की तरह होम आइसोलेशन में रख सकते हैं, उनको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए। माइस ने बहुत अच्छी बात की, अपने आप को आइसोलेट कर लें, खाने के लिए उन्होंने बात की, हमेशा मास्क पहन के रखें, उनके फैमिली मेम्बर उनको खाना देने भी आए वो मास्क पहन के रखें, डिसइंफेक्टेंट की बात की, ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। इसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए माइस यंग हैं, होम आइसोलेशन में गए, रिकवर हो गए, मगर आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जहां आपकी सेहत बिगड़े वहां आपने हॉस्पिटल पे रश करना है। ये एक मैं मैसेज बहुत देना चाहूंगा, 95% माइल्ड सिम्टम्स होंगे, आप होम आइसोलेशन में चले हैं, अब क्या सिम्टम्स होंगे अगर किसी को हमने होम आइसोलेशन में कर दिया, कब उस मरीज को अस्पताल की तरफ दोबारा रश करना चाहिए, उस वक्त जब उसकी सांस फूलना लगे, उसकी अलामत क्या होगी, उसके लिए वैसे देखा जाए तो पल्स ऑक्सीमीटर की डिवाइस आती है, अगर पाकिस्तान में इस वक्त उसकी कॉस्ट 2800 रुपए से 3000 रुपए है, वो एक हर आदमी घर में बसा ले, हम सब मोबाइल यूज करते हैं 10,000, 12,000, 7,000 का, अपनी सेहत के लिए अगर हर घर में 3000 रुपए का एक डिवाइस ले लें तो कोई बुराई नहीं है, आगे लॉन्ग रन में भी आपको काम ही आएगा, उससे आप अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं, जब आपको उसमें कुछ भी नहीं करना हो तो उंगली पे वो लगता है, जब उंगली पे लगता है तो आपको वो सेचुरेशन बता रहा होता है, अगर आपकी सेचुरेशन 92 से नीचे जाए और आपको सांस लेने में शिकायत हो रही हो तो आपने अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है और अस्पताल की तरफ चले जाना है। नॉर्मली ये सेचुरेशन आम आदमी की मेरे आपकी 97, 98, 99 होती है, मैं जो रिकमेंडेशंस हैं 92 से नीचे जाए तो आपको अस्पताल की तरफ जाना है, वरना आप होम आइसोलेशन में अपनी दौरानिया जो क्वारंटाइन जाए वो बिल्कुल उतारें और अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाए। पल्स ऑक्सीमीटर कोई यानी ठीक है, मैं कॉस्ट सिस्टम मैंने बताई इतनी होती है, बट ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी सेहत के लिए। अच्छा, हमारे साथ लाइव कॉलर एक है जी, अस्सलाम वालेकुम बरादरी। साहब मैं मंदान शब्बीर बरादरी, आप कहां से बात कर रहे हैं? ओके, हमें भाई रिपीट कीजिएगा क्या पूछ रहे हैं। जी जी सही है, आप इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहा हूँ, सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आजकल जो बेसिकली जो एक कहते ना माहौल चल रहा है उसमें कुछ इस तरीके से कि लोग टेस्ट की तरफ रश नहीं कर रहे, और मोस्टली लोगों का जिनके सिम्टम्स भी नहीं है, जिनको बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसा एक माहौल चल रहा है कि शायद हर किसी का पॉजिटिव आ रहा है, कुछ इस तरीके से है, इज इट रियलिटी या कुछ फेक है, क्या सीन है, समझ नहीं आ रही, इस चीज की तरफ थोड़ा सा आप अगर क्लियर करें। नहीं नहीं ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है, आपने एक बात ये कही कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है वो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ये बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे मरीज एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उनको कोई अलामत नहीं होती, जो हेल्दी हैं, यंग हैं, बिल्कुल हो सकता है कि वो वायरस कैरी भी करें, वो उनको कोई शिकायत ना हो,
मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ये कहना कि हर आदमी का पॉजिटिव आ जाता है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। पाकिस्तान में आज की डेट तक के, मैं बिल्कुल रिसेंट फिगर शेयर कर रहा हूँ गवर्नमेंट की वेबसाइट से, 80,453 केसेस पॉजिटिव आए हैं और टेस्ट कितने हुए हैं पाकिस्तान में 5,95,344 5,95,344 टेस्ट हुए हैं जिसमें से 80,000 पॉजिटिव आए हैं। अगर रेशियो निकालें इसका तो ये 13.5% बनता है। अगर 100 टेस्ट हुए हैं तो 13.5 पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब ये है 86.5% नेगेटिव आए हैं। तो बिल्कुल ये ना घबराएं कि हर आदमी को पॉजिटिव कर दें, रीसेंट फिगर्स 86.5% नेगेटिव हैं जो टेस्ट होते हैं। तो ये कहना कि हर आदमी पॉजिटिव आ जाते हैं ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं जिनको अलामत हैं मैं उनको इंकरेज करूंगा कि वो अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जिस तरह माई ने भी बात की आपने दूसरों को बचाना है, अगर आप हेल्दी भी हैं तो हो सकता है आपकी वजह से कोई और इफेक्ट हो जाए। टेस्ट कराएं, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है आइसोलेशन में चले जाएं ताकि आप दूसरों को सेव कर सकें, अपने प्यारों को बुजुर्गों को बचा सकें। तो ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि टेस्ट कराएं कि पॉजिटिव आ जाएगा, ये बिल्कुल मैंने आपको फिगर सेट किया करा दिए 13.5% पॉजिटिव रेशियो इस पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब एक ये भी तो आजकल चल रहा है कि जी लोग डर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे हॉस्पिटल पॉजिटिव करेगा और लिटा देगा, है कुछ फैक्ट में भी ऐसा भी किया गया? ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूंगा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स या जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है आपकी हेल्प करने के लिए है, नेगेटिव ना ले इसको। देखिए आप अस्पताल जाते हैं कोई ना कोई शिकायत से आते हैं, जब आप अस्पताल जाते हैं ठीक है आपको पेट में दर्द हो रहा था डायरिया हो रहा था आप उसकी शिकायत से गए, बट डायरिया भी एक सिम्टम है कोविड का। जब आप जाते हैं डॉक्टर आपको टेस्ट कराएं, टेस्ट करवाते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है, फिर आप ये कहते हैं मुझे तो सिर्फ डायरिया होता ना, मेरा बुखार था ना मेरा गला खराब था, मगर जितना मैंने बताया ये सिम्टोमेटिक भी होता है उसकी कुछ अलामत होती है, तो उनमें से कोई भी अलामत हो सकती है इसी पॉजिटिव हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स आपकी हेल्थ के लिए मौजूद हैं, किसी को भी वो पॉजिटिव नहीं करना चाहते, पॉजिटिव करते हैं और लोड हमारा बढ़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल ये भी मिसकंसेप्शन है कि हॉस्पिटल जाएंगे वो पॉजिटिव कर देंगे, इसके बिल्कुल ना घबराएं। अच्छा अलामत है तब वो टेस्ट कराते हैं और टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आता है। अस्पताल जाने का मकसद है कि कोई ना कोई शिकायत नहीं, वरना तो हर नॉर्मल आदमी अस्पताल नहीं जाता। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अस्पताल जाएं टेस्ट कराएं, डॉक्टर्स हेल्प करने के लिए है। और तो एक मैं मिसकंसेप्शन कर रहा हूँ कि जो 80,000 लोग पॉजिटिव आए ना पाकिस्तान में, उनमें से जो रिसेंट फिगर्स थे मैं एक पुराने फिगर्स कोट कर रहा हूँ, 2,000 हेल्थ केयर वर्कर्स पॉजिटिव आ चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहते, अगर आप ठीक हैं आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं करेंगे। ये कहना कि आप बता जाएंगे उसको आइसोलेशन में डाल देंगे, ये मेरे ख्याल से एक तरीके से ट्रस्ट लॉस की बात है जो नहीं होना चाहिए। चले थैंक यू वेरी मच ब्रांडिन। आमिर सवाल है जी, ये सवाल गालिबन मास से ही है, जुएब हुसैनी का। व्हाइल यू वर इन क्वारंटाइन इन अ रूम यू वर डेफिनेटली टचिंग स्टफ होल्डिंग थिंग्स, वर यू डिसइंफेक्टिंग इट रेगुलरली? बिल्कुल जुएब, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए आप अगर आप क्वारंटीन में है तो सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं मैंने क्या किया था, मैंने डिटॉल का एक वो जो स्प्रे की बॉटल आती है मैंने उसके अंदर आधा डिटॉल भरा हुआ था और आधा पानी भरा हुआ था, और मैं जहाँ जहाँ बैठता था या जहाँ जहाँ जाता था मैं रेगुलरली उसको डिटॉल से डिसइंफेक्ट करके और वाइप करता था, ताकि मेरी जो स्पेस है वो हर वक्त साफ रहे। देखिए इसका बहुत ज़रूरी है कि सोच जो है ना आपने सिर्फ अपनी तक नहीं रखनी है कि मैं किस तरह ठीक रहूँ, आपने इस तरह से सोचना है कि यार मेरी वजह से और किसी को नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी स्पेस है, आप कमरे में हैं, आप बेडशीट्स आपकी डिसइंफेक्ट होती हैं जैसे इन्फेक्ट होती हैं जैसे मैंने बोला, उसको रेगुलरली चेंज करें ताकि आप उसको डिसइंफेक्ट करें, आप जहाँ बैठते हैं उसको डिसइंफेक्ट करें, आप क्वारंटीन से निकलने के वक्त जब आप क्वारंटीन से निकल रहे हो जो भी आपका कमरा है उसको डिटॉल से पूरा आप अपनी ज़मीन को साफ करें ताकि आप उसके बाद आपके कोई कमरे में आए तो उसको मजीद ना लगे। तो आपके सवाल का जवाब एक लाइन में, जी बिल्कुल मैं चीज़ों को हाथ लगाता था लेकिन बहुत ज़रूरी है उन सबको डिसइंफेक्ट किया जाए। मैं इसमें एक जरूर
एक तो डिसइंफेक्ट रेगुलरली करते होंगे, मगर जिस वक्त इनका क्वारंटाइन कम्प्लीट हो जाए और आप रूम से बाहर निकल रहे हैं, आप ठीक हो गए, आप रूम से बाहर निकल जाएं, अगले 18 से 24 घंटे तक उस रूम को यूज ना करें। उसके बाद अगर आप उस रूम को यूज करते हैं, बेडशीट या पिलो के कवर वो सब आप चेंज कर लें, उसके बाद वो कमरा आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू वेट, आपको 18 से 24 घंटे तक उस कमरे को इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आप पिलोज धोएं, चादरें धोएं, जो वॉशेबल चीजें उनको धोएं और फिर उस कमरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी कोई बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ ये भी एक हकीकत है कि जिस तरह कह रहे हैं होम आइसोलेशन, ठीक है, अब मेजॉरिटी हमारी ऐसी जगहों पर रहती है कि जहाँ दो कमरे हैं या तीन कमरे हैं और 6-8-10 लोग रहने वाले हैं, वहाँ कैसे पॉसिबल है कि एक कमरे में चले अगर दो या तीन लोग भी हो गए तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वो होम आइसोलेशन के अंदर रह सके लोग? बहुत अच्छा सवाल किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बनाई हुई हैं। वो लोग जो यंग हैं, हेल्दी हैं, जिनको कोविड पॉजिटिव आ गया है और वो एक कमरे के मकान में 5 लोग रहते हैं या 2 कमरे के मकान में और वो उस जगह एडजस्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज बनाई हुई है। जो एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी है वो उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो अगर जो लोग ज्यादा बीमार हैं, जिनको कोमोबिलिटीज हैं, जिनको सांस लेने में शिकायत हो रही, वो तो अस्पताल में दाखिल होंगे, मगर जो फिट हैं और उनके पास जगह नहीं है, वो गवर्नमेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करें और एक्सपो सेंटर की फैसिलिटी बेसिकली उन्हीं लोगों को टेक केयर कर रही है इस शहर कराची में। माज आपने एक बात कही कि जिससे आपकी वजह से जब आपको सिम्टम्स भी नहीं थे, जब आपका टेस्ट भी नहीं हुआ था, आपने कहा कि 3-4 लोगों को मेरी वजह से लग चुका था, वो आपके घर वाले थे या कोई और थे? नहीं, उनमें से एक मेरा छोटा भाई था और एक मेरे दोस्त यार थे जिनसे मैं मिला था उस हफ्ते, और दो मेरे दोस्त यार थे जिनसे मैं मिला था उस हफ्ते। अच्छा, तो जो भाई था आपके, फिर आप लोगों ने एक साथ ही अलग अलग कमरे में, मतलब एट अ टाइम ही आप लोगों ने क्वारंटाइन कम्प्लीट किया? जी, दोनों, हम दोनों को साथ ही सिम्टम्स आना शुरू हुए थे, साथ ही पॉजिटिव हुए और साथ ही हमने 28 मई को टेस्ट कराया था, अपना वापस रीटेस्ट कराया था 9 मई को, जब हमने टेस्ट कराया था 10 मई को हम लोग पॉजिटिव आए थे, 28 मई को हम दोनों ने साथ रीटेस्ट कराया था और हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आए थे। हम दोनों मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ उस तरह से कि हम लोग के पास अपने कमरे की सहूलत मौजूद है, तो मैं अपने कमरे में था, वो अपने कमरे में था, हम साथ बिल्कुल नहीं थे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप किस तरह से एडवाइस करेंगे, जो हमारे मुल्क में हालात हैं, जिस तरह हमारा लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, तो ये खतरनाक सूरत हाल डेवलप नहीं हो रही है इस तरह से लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि लोग इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे, और जिस तरह से हम मास मूवमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से हम ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, हर जगह देख रहे हैं, तो ये आप किधर देखने जाती हुई चीज़ों को? मुश्किल सवाल है, किधर जाते हुए मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, मगर ये अनफॉर्चुनेटली हुआ है पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी अपनाई है लॉकडाउन को ईज करने के लिए, मगर एहतियात के साथ। हर जगह जब आप बात करते हैं SOPs की बात होती है, अगर आपकी शॉप खुल रही है या ट्रांसपोर्ट खुल रही है, SOPs के साथ खुल रही है। प्रॉब्लम खोलने में गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट जब खोलनी है तो SOP के साथ खोलनी है। SOP की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। सो ये गवर्नमेंट का काम तो है, मगर साथ में हर पाकिस्तानी का काम है, हर शहर कराची में रहने वाले का काम है कि इस अगर गवर्नमेंट ने बोला है मास्क पहने, तो आप मास्क पहने बगैर घर से बाहर ना निकलें। अगर आपने बार बार हाथ धोने हैं तो धोने हैं। और मैं इसमें ये कहूँगा कि कोई अब ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है, न्यूज़ पे हर वक्त आ रहा होता है, जब हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो उस पर ये मैसेज चल रहा होता है, तो अब इग्नोरेंस इज नॉट अ फैक्टर। अब हमारी कम्युनिटी की, इस शहर कराची की, इस पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हम उसको टैकल करें। हर आदमी की जिम्मेदारी है, और वो किस तरह कर सकता है अपना रोल प्ले, वो इसी तरह कर सकता है कि जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, जब किसी से मुलाकात करें, बैंक में जाएं, किसी रश वाली जगह पब्लिक प्लेस में जाएं, 3 फीट का फासला रखें, हाथ बार बार धोएं, और अगर किसी को अलामत होती है टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा टेस्ट कराएं, मेरा ये सवाल है, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कोविड के जो टेस्ट हैं वो कहाँ पे होते हैं। लोग ये समझते हैं भाई बहुत महंगा टेस्ट होता है, हम नहीं करवाएंगे, हम आइसोलेट हो जाएंगे, हम घर में क्वारंटाइन कर लेंगे 14-15 दिन 18 दिन। तो डॉक्टर साहब, जिनको ये अलामत होती है वो सिर्फ क्वारंटाइन में चला जाए तो क्या वो इससे सही हो सकता है? नहीं, क्वारंटाइन में चला जाए वो तो ठीक है, अगर उसको कोविड है तो उसको क्वारंटाइन में जाना है,
मगर ये जो सारी अलामत हैं बहुत सारी और भी हो सकती हैं। सो ऐसा ना हो कि वो क्वारंटाइन में चले जाए 14 दिन के लिए और उसको कोविड ही ना हो, वो 3 दिन बाद ठीक हो जाए और 14 दिन। मैं ये कहूंगा कि टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल बता दिया कि टेस्ट के जो मेन कराची में मेन जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटेट किया हुआ है पब्लिक को। आपके पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जो ये टेस्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें इंडस हॉस्पिटल मौजूद है, टाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ओजा कैंपस जो मौसमियात में मौजूद है, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल कराची, जिना हॉस्पिटल कराची, SIUT, ये इदारे मुफ्त टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आखान हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट लैब्स, जियाउद्दीन, ये बड़े नाम हैं, इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट लैब्स भी अब ये टेस्ट करने लगी हैं। मैं ये किसी एक इंस्टीट्यूट को वैलिडेट या रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर कहने का मकसद कि टेस्टिंग की फैसिलिटीज नहीं है, फ्री फैसिलिटीज मौजूद हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसको अवेलेबल करना चाहिए। इंडस हॉस्पिटल बहुत इजी प्रोसीजर है, डाओ इजी प्रोसीजर है, सुबह के टाइम में सिविल हॉस्पिटल बहुत इजी प्रोसीजर है, अगर है ड्राइव थ्रू बनाया हुआ है बाग इब्ने कासिम में, तो बहुत सारी जगहों पे टेस्ट हो रहा है। तो ये ना कहें कि इस शहर में टेस्टिंग फैसिलिटी और मुख्तलिफ इलाकों में है, इजीली जहाँ अवेलेबल हो वहाँ जा सकते हैं और प्राइवेट सेटअप में भी जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो आपकी बात जी आप कंटिन्यू करें, नहीं भाई मैं इसके बाद मेरा सवाल आपकी बात से समझा, जो मैंने सवाल किया था ना कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोल दिया है, इससे बिल्कुल हम एग्री करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, जाहिर है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसके ऊपर किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमें। अब उसके बाद इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर और लोगों की जिम्मेदारी है, हम भी इसी प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देंगे कि अब लोगों की जिम्मेदारी है कि किस तरह से बच के जीना है। मतलब वो अगर हम ये समझते रहेंगे कि जी कुछ भी नहीं है और हम अपनी रूटीन की जिस तरह पहले जीते थे जिंदगी, अगर हम उसी तरह से गुजारेंगे जिंदगी तो हम प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाएंगे। तो शायद ये एक माशरती तौर पे हमारी कलेक्टिव अब जिम्मेदारी है कि हमें दूर रहते हुए हमें सब काम सारे करने, लेकिन सारे जो आपने कहा ना SOPs उनको फॉलो करके करेंगे तभी हम बच सकते हैं, वरना तो फिर हमें क्राइसिस है हमारे सर पर। बिल्कुल ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चाइना की एग्जाम्पल सामने है, साउथ कोरिया की एग्जाम्पल सामने है, न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल सामने है, ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल सामने है, उनकी पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया है तभी वो आज मिनिमम केसेस के साथ इस दुनिया में है। तो पब्लिक ने जब अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और यही सारे मेजर्स किए हैं, ये साइंस नहीं है। जी आमिर बिल्कुल। डॉक्टर साहब कल हमारे शो में हमारे गेस्ट थे डॉक्टर मोइस हुसैन जो के माइंड साइंस के फाउंडर हैं, आप बिल्कुल जानते ही होंगे उन्हें। उन्होंने कल एक बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि आज से 2 महीने पहले एक स्लोगन था कि कोरोना से डरना नहीं कोरोना से लड़ना है, और वही स्लोगन आज 2 महीने बाद चेंज हो गया, कोरोना से डरना नहीं कोरोना से बचना है, बचना है और साथ में जीना है, वी हैव टू लिव विद इट। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है और इसके साथ अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू करना है, और वो इसी तरह हो सकता है कि हम सब एहतियात करें, जो सबको मालूम है मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, पर एक्सरसाइज वजह से किया जाता है कि हर आदमी को ये करना है। जी डॉक्टर साहब, ये आपके लिए सवाल है ज़ुबैर हुसैनी का अगेन, दीस क्लॉथ्स मेड मास्क आर दे इवन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड और नॉट? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जो स्टडीज कह रही हैं आइडियली हर आदमी को सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए जिसमें 3 फ्लाइज होती हैं, ठीक है ना, वो बेस्ट प्रोटेक्टिव मेजर है। बट एक मास्क की कॉस्ट इस वक्त आप कराची में ले जाए 20 रुपए है, तो हर आदमी तो 20 रुपए का मास्क भी नहीं खरीद सकता इस शहर में। जो ये कपड़े वाले मास्क हैं ये बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं, स्टडीज ये कहती हैं कि अगर आप ये मास्क भी पहनते हैं तो एक हद तक उससे प्रोटेक्शन होती है। वो आदमी मास्क सर्जिकल मास्क खरीद के नहीं वेयर कर सकता, वो बिल्कुल कपड़े वाला मास्क पहने, और उसका एडवांटेज ये है कि 2 मास्क खरीदे, एक आज ने सुबह से पहना है शाम तक उसको घर आके धोएं, नेक्स्ट डे दूसरा पहने, तो कपड़े वाले मास्क की भी एक हद तक प्रोटेक्शन है उसको। बिल्कुल अगर आप सर्जिकल मास्क यूज नहीं कर सकते तो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, अगर मैं किसी ऐसे ऑफिस में या कहीं पे काम जॉब करता हूँ
ठीक है, वहां पर अगर मुझे पता लगता है कि मेरे किसी कलीग को पॉजिटिव हो गया है, अब मैं उससे इतना करीब नहीं होता कि मतलब 3-4-5 फीट दूर सपोज में रहता हूँ, तो क्या मुझे प्रिकॉशनरी जरूरी है कि मैं टेस्ट करवाऊँ, या कितना डिस्टेंसिंग होती है तो हम मतलब सेफ होते हैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से? देखिए, अगर आपका कलीग पॉजिटिव आया है तो उसको होम आइसोलेशन पे चले जाना चाहिए, पहली बात। अब उससे पहले आपका कॉन्टेक्ट कितना हुआ है डिपेंड्स। अगर आप कहते हैं आइडियली तो हर जगह आप यही बोले कि जहां घर से काम हो सकता है वहां घर बैठ के आप काम करें, अगर ऑफिस जाना जरूरी है तो हर एक की सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जो फासला है 3 फीट का वो आपने कायम रखना है। अगर कोई कोरोना पेशेंट आपका कोलीग कोई पॉजिटिव आता है, उससे पहले आपका कितना कॉन्टेक्ट रहा है इट डिपेंड्स, और उसके बाद अगर आपको साइन एंड सिम्टम डेवलप हो रहे हैं उस बेसिस पे टेस्ट होना चाहिए। अगर आपका सवाल मैं सही तरीके से आंसर कर सका डॉक्टर साहब, आप अपनी एक्सपीरियंस से, आप एसआईयूडी में काम कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना, आप वैसे क्या एक क्या पैगाम देंगे लोगों को, क्या आप जो रियलिस्टिकली आप चीजें जो देख रहे हैं आप क्या बताएंगे लोगों को, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने एहतियात नहीं की, हालात मुश्किल की तरफ जाएंगे। अगर हम एहतियात करेंगे तो हम बच सकते हैं, और एहतियात यही है कि आपने मास्क पहनने हैं, हाथ बार बार धोने हैं, अपने आप को दूर रखना है एक दूसरे से, ये जो प्रिकॉशंस है उसको लेना है। पैनिक नहीं होना, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड किसी भी चीज से। ये बीमारी आई हुई है पूरी दुनिया के लिए, आई हुई है पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, बट बीइंग अ नेशन हम इससे ओवरकम हो सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हर पाकिस्तानी, हर शहर कराची का आदमी अपना रोल प्ले करे। बस आप जब क्वारंटीन में थे वो 3 टाइम बेसिकली वो जो इनहेलर वाला क्या है वो उसका बताएंगे जरा प्लीज? इनहेलर बेसिकली वो डॉक्टर साहब का सवाल था, कल बेसिकली एक सवाल हुआ था हमसे, स्टीम वाला जो होता है। जी 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 जी, मुझे रेकमेंड की गई थी कि मैं 3 टाइम स्टीम लूं, और मैं जरूर स्टीम ले रहा था। इसकी क्या वजहात है मेडिकली, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से बता सकेंगे, लेकिन ये जरूर है कि मुझे रेकमेंड की गई थी कि मैं 3 दफा स्टीम जरूर लूँ दिन में। मेरे ख्याल से खांसी और चेस्ट कंजेशन वगैरह के लिए था, लेकिन आई थिंक डॉक्टर साहब कहीं मेरे से बेहतर जवाब दे पाएंगे। स्टीम लेने के 2-3 एडवांटेज हैं। एक तो ये कि अगर आपके गले में खराश है या खांसी है तो आपकी ब्रीथिंग को ईज कर देता है। वैसे ये कहना कि स्टीम लेने से कोरोना वायरस मर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जब आप स्टीम लेते हैं तो आपको सूथिंग इफेक्ट फील होता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आप स्टीम लें ताकि आपको ईज फील हो। डॉक्टर साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्या ये इसकी वैक्सीनेशन आएगी तब खत्म होगा, या हम सारे लोगों को ये कोविड जो है पॉजिटिव आएगा, हम तमाम लोग कलेक्टिवली इम्यून हो जाएंगे, उसके बाद ये खत्म होगा? मैं उम्मीद करता हूँ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हमें ना जाना पड़े। दुनिया में रिसर्च वर्क चल रहा है और पॉजिटिव न्यूज ही आ रही है। वैक्सीन मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट मिड ऑफ द ईयर या उससे पहले भी हम समझते हैं कि अवेलेबल होंगी। वैक्सीन की तरफ ही जाना पड़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ, यानी हर आदमी पॉजिटिव हो जाए, हम उसकी तरफ ना जाएं तो बेहतर है। क्योंकि आज भी अगर हम 80,000 देखें जो पॉजिटिव रेशो है, पाकिस्तान में 1688 डेथ्स हो चुकी हैं, विच इज़ अबाउट 2% ऑफ द पॉजिटिविटी। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान का 2% निकालें तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अल्लाह ना करे हमें उस तरफ जाना पड़े। वैक्सीन इज द राइट चॉइस, मगर जब तक वैक्सीन नहीं आती, एहतियात इलाज से बेहतर है। चले माइज, आप अगर कोई एक मैसेज देना चाहें हमारे, जो भी आपने इस पूरे इस पीरियड के अंदर जो आपने फेस किया, और आप समझते हैं कि एक ऐसा मैसेज के जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी इस शो को देखेगा बाद में उसको उससे फायदा हो सके, वो प्लीज आप मैसेज दें। जी, तो सबसे जरूरी चीज है जो मुझे ये पिछले 2 हफ्ते में मुझे एहसास होना शुरू हुई है, अच्छे खासे लोग सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं, यानी कि जब उनको एहसास होता है कि उनको हल्के से सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको हल्के से अलामत आ रहे हैं, तो वो दूसरी चीजों पे डाल देते हैं कि यार ये भाई कोई वायरल है, मैं तो इन सब चीजों को मानता ही नहीं हूँ। प्लीज, मैं ये मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था और ये पहले में भी बोल चुका हूँ, बहुत जरूरी है अपने आप को टेस्ट कराइए, और टेस्ट के साथ साथ अपने आप को अलग करिए। देखिए, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे आपके किसी घर वालों को लग सकता है, और उनके लिए ये बहुत बुरा हो सकता है।
तो मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि अपने आप को टेस्ट कराइए और अलग करिए, और इंशाल्लाह जो लोग कोरोना से एक लड़ाई जीते हैं बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकें, इसका बहुत सवाब है, इसका बहुत अजर है। तो अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, जो लोग कोरोना से बैटल जीते हैं, और जिन लोगों को पॉजिटिव आता है और जो लोग को सिम्टम्स आते हैं परेशान ना हो, बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, आप अपने आप को जो है वो आइसोलेट कीजिए, आप अपने सिम्टम्स को देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला जहां आपको सांस का मसला ज्यादा आना शुरू है प्लीज आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपको नहीं हो रहा कमरे की हद तक रहिए, पॉजिटिव रहिए, सुकून से रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी क्वारंटीन पीरियड 20 दिन का या 14 से 20 दिन का, और इंशाल्लाह जब आप इस लड़ाई को लड़के जीत लें प्लीज अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। ये डॉक्टर साहब आपसे एक मैसेज से पहले सवाल है आपके लिए, इफ एनी कोविड पर्सन डाइज कैन दे ट्रांसफर कोविड टू अदर पीपल? ये भी एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो मैयत से ट्रांसमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर उसमें भी बहुत सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो लें तो ये इस चीजों से बचा जाता है। वो क्या प्रिकॉशंस हैं? अगर कोई मैयत हो जाती है तो हॉस्पिटल मैयत को हैंड ओवर करने से पहले बेसिकली उसको साफ करता है और ब्लीच या डिटॉल के पानी से, जब मैयत हैंड ओवर की जाती है उस वक्त ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, वो करके ही देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे ये सिस्टम ये बना हुआ है कि वो एहदी को ट्रांसफर होता है और एहदी वाले उसको जो लवाकिन है उसकी मौजूदगी में उनके सामने अगर आप चाहते हैं तो गुसल देंगे और आपको बॉडी प्रॉपरली जिस तरीके से गुसल दिया जाता है पैक करके आपके हैंड ओवर करेंगे। तो बहुत कम चांसेस हैं कि मैयत से जो है वो ट्रांसफर हो डिजीज, मगर एहतियात क्या करनी होती है कि जो आदमी गुसल दे उस मैयत को वो प्रॉपरली मास्क पहने और प्रोटेक्टिव पीपीई जिसको हम कहते हैं उसको वेयर करें, और जब मैयत को गुसल दे दें तो वो चीज़ें डिस्पोज कर दी जाए। इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले बताया जब बॉडी हैंडओवरी की जाती है तो उसको साफ करके ही दिया जाता है, तो अगर किसी का अल्लाह ना करे इंतकाल हो जाता है उसके फैमिली मेम्बर्स को भी एक पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है, बॉडी जब हैंड ओवर की जाती है वो साफ धोके दी जाती है, एहदी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें हैंड ओवर प्रॉपरली करते हैं, अगर गुसल कोई फैमिली वाला दे रहा है तो उसको मास्क पहनना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने चाहिए, और जो लोग चेहरा देखने आते हैं वो दूर से चेहरा देखें, मास्क पहने रखें, तो मैयत से मिनिमम चांसेस होते हैं कि ये वायरस। डॉक्टर साहब इसके साथ ही आपको ऐसा मैसेज जो हमारे देखने वालों को या जो भी शो को देखेगा वो एक कंस्ट्रक्टिव कोई मैसेज लेके जाए? कंस्ट्रक्टिव बात मैं ये करूंगा कि अगर इस वक्त पाकिस्तान में 80,000 केसेस पॉजिटिव आए हैं और मैंने डेथ भी बताई तो पाकिस्तान में रिकवरी रेट भी 29,000 से प्लस केसेस रिकवर हो चुके हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कोई सिम्टम्स होते हैं पॉजिटिव भी आता है तो रिकवरी रेट इज क्वाइट गुड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त भी 29,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, बिल्कुल पैनिक ना हो और एहतियात करें, पहले भी जिस तरह बात की है द की जो मेन मैसेज है अपने आप को महफूज रखें और अपने बुजुर्गों को अपने अजीज व अकारिब को अपने चाहने वालों को महफूज रखें, किस तरीके से मास्क पहन के फासला रख के बार बार हाथ धो के प्रिकॉशनरी मेजर्स आर द सेम, आपने अगर इस पर अमल किया तो पाकिस्तान एज ए नेशन इससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेसिकली जैसे अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि कल भी हमारे साथ डॉक्टर मोइस थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि हर इंसान अपना अपना हिस्सा डाल सकता है अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करके, हम ये बोरा नेटवर्क अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम डॉक्टर अब्दुल कादिर ने अपना हिस्सा डाला, माइस मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने भी अपना हिस्सा डाला, हम बोरा नेटवर्क भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अपना हिस्सा डाल सकें। मैं अपने जो व्यूअर्स उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने किसी भी फील्ड के किसी भी टैलेंटेड या कोई अचीवर अगर आप समझते हैं कि हमारे साथ जुड़ना चाहे और हमारे साथ शो करके अगर कोई ऐसा मैसेज पॉजिटिव इस सोसाइटी के अंदर कन्वे करना चाहता है तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट भी करें, क्योंकि बोरा नेटवर्क बेसिकली ये कर रहा है कि क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा, कलेक्टिव एफर्ट की तरफ जाना चाह रहा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से कलेक्टिवली ऐसे काम हो कि जो
ना किसी को कहीं भी अगर कोई फायदा देता है तो हम समझेंगे कि हम अपने काम में कामयाब हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल कादिर, थैंक यू वेरी मच महेश कि आपने टाइम निकाला, आप दोनों हजार थैंक यू और मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि हमारा नेक्स्ट शो है June 5 को 9:30 PM फ्राइडे को, इसमें हमारे साथ हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं कोलकाता से वो हमारे साथ होंगे, उसमें इंशाल्लाह हम क्रिकेट की बात भी करेंगे और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे मुर्तजा लोडगर, शेख ताहिर भाई और मोहम्मद भाई, जिनसे हम कोलकाता की क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you.